जिम्मेदारों ने आशु खान और यहाँ पर मौजूद तमाम जीएचएमसी इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के मौजूद तमाम ऑफिसरान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसा कि हम तमाम इस बात से बाखौफी वाकिफ हैं कि नकवी मिलत अलहाज मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर क़यादत में ये मीटिंग मुनक़द की गई है। और मैं इस मीटिंग में इस बात का भी जो हक है ये बताना चाहता हूँ कि हम तमाम वाकिफ हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में कि ये वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजाम के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। या आज कल से नहीं, ये ज़माने से ये तरीका रहा है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नुमाइंदगियों पर तमाम इंतजाम करवाते आई है। यकीनन तमाम एमएलए साहबान के तरफ से नुमाइंदगियाँ की गई है, जैसा कि कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब की जानिब से वहाँ के तमाम आशुरखानों के लिए और वहाँ के अतराफ अतनाफ के रोड्स और तमाम जो काम है उनको उनकी नुमाइंदगी की गई है। और जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब नामपली एमएलए साहब के जनाब के तरफ से भी नामपली हल्के के तमाम आशुरखाने जात के लिए वहाँ की नुमाइंदगी की गई है। इंशाल्लाह ये भी काम जल्द से जल्द आगाज होगा। और जनाब अली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगियाँ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कामों का भी आगाज़ कई काम के आगाज़ हो चुके हैं और कई इंशाल्लाह ताला आगाज़ होने वाले हैं। याकूबपुरे में भी जनाब एमएलए अली जनाब सैयद अहमद बादशाह कादरी साहब की जानिब से भी तमाम नुमाइंदगी हो चुकी है, वहाँ के भी कई काम का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह वहाँ बाकी कामों का भी आगाज़ होगा। और इस ज़मन में आशूर के प्रोसेशन के लिए हाथी का इंतजाम के लिए नकीब मिलत अलहाज मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हाथी को लाने के लिए जो जियो निकालने की गवर्नमेंट में बात हुई उसके लिए जो है नुमाइंदगी की गई है। और हर साल की तरह जैसा कि कुछ लोग इस बात में कन्फ्यूज थे कि लास्ट ईयर का जो है जियो नहीं आया मेमो आया, लास्ट ईयर भी जियो आया है नकीब मिलत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी पर और इंशाल्लाह इस बार भी जियो होगा और इंशाल्लाह ताला इस बार भी तमाम इंतजाम वैसे ही होंगे। मैं मेरी जानिब से जो लोगों ने मुझे बताया था कामों के लिए उसके भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई काम का आगाज़ हुआ है। आप तमाम से भी गुजारिश करूँगा कि जो मजीद काम है जो हमारे नॉलेज में नहीं है उसको भी लाया जाए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द आगाज़ किया जाएगा और तकमील करेंगे। यकीनन जो लास्ट ईयर के जो मुहर्रम के सेंशन जीएचएमसी की जानिब से हमको दिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं समझता हूँ कि 90% काम मुकम्मल हुए, माँ बाकी एक 10% काम है जो कॉन्ट्रेक्टर्स की लापरवाही की तरफ से उसका आगाज़ नहीं हुआ। हम वो काम भी इंशाल्लाह ताला कब्ल मुहर्रम तकमील करेंगे क्योंकि हम वो कॉन्ट्रेक्टर्स को बुला के उनसे मीटिंग ली है, वो इस आगाज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे वो 8 दिन के अंदर। और फिर नए कामों का भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आगाज हो जाएगा। जैसा कि वाटर वर्क्स की बात है, यकीनन हर साल की तरह पानी टैंकर्स के इंतजाम जो हम टैंकर्स को फिलिंग करते हैं अब तो अलहमदिल्ला हम बालसटी के रिजर्वर से भी कर रहे हैं, चदरघाट से भी कर रहे हैं और मुगलपुरे से भी जो है हम टैंकर्स को सप्लाई देते हैं तो उसको कंटिन्यू किया जाए। पानी के पैकेट्स के साथ हमने पानी के बॉटल्स की नुमाइंदगी की है मीटिंग में, तो पानी के पैकेट्स के साथ पानी के बॉटल्स की सर्वर एक तो ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन स्वीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि जो गार्बेज पॉइंट्स है आशुखाने के अतराफ अतनाफ रोड्स पर उसको जल्द अज जल्द क्लियर करना चाहिए। और जो एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की जो मशवरा है उसको कबूल करते हुए यूनिट को बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि बंच केबल का भी ज़्यादा
और अपने सैंक्शन लीजिए और जहाँ पे पंच केबल्स की जरूरत है वो लगवाएं। और अलावा सब डॉक्टर मुबारक के भी बैक साइड में अलावा भी के बैक साइड में एडिशनल ट्रांसफार्मर्स देते हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी नष्ट करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स भी होना है, उसके लिए आपसे गुजारिश है। कुछ नए ट्रांसफार्मर्स के लिए हमने हमारे एमएलए हजरात की जानिब से नुमाइंदगी हुई है, उसको भी जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए। तो शटडाउन में जो है शटडाउन नहीं होगा इंशाल्लाह। जीएचएमसी से जो काम होते हैं उसमें जो इमीडिएट हम होते हैं अलहमदिल्ला वो काम तो पूरे कंप्लीट होते हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट जो टेम्पररी फोकस हमको जो है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे दी जाती है, वो तकरीबन हर आखिर आशुरखाने के अतराफ अपना और आशुरखाने के जो है प्लेसेस पे लगवाए जाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सर उसको भी जल्द से जल्द जो है सैंक्शन किया जाए। शुक्रिया। सिटी में रखते हैं ताकि कम वक्त में ट्रांसफार्मर को नस्ब करके लाइट को
برقی کو بحال کرے. یہ انتظامات الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے بےحد ضروری ہیں. بارش کے موسم میں ہر تھوڑی دیر کو لائٹ بند ہو جاتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جلسے ہو, مجالس ہو, جو بھی ہو, اس میں بھی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. برقی کی سربراہی کو خصوصی طور پر توجہ دے کے بلا وفا برقی کو جاری رکھنا یہ ہمارے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے تمام عہدے داروں کی ذمہ داری ہے. وہ بھی موسم کے پیش نظر, ورنہ ہمیشہ تو ڈاؤن رہتا ہے کام, لائٹ ہمیشہ رہتی ہے, اور پھر ایمرجنسی اسٹاف جو ہمیشہ کام کرتا ہے محرم میں, دن میں اور رات میں, اس کو ذرا سرگرم رکھیے. خصوصاً سی پی ڈی کے ورکرس کو, اور یہ سردار محل پر حکومت کی طرف سے کنٹرول روم قائم کیا جاتا ہے, وہاں پر پورے آفیسر رہنا, وہاں ایک لائٹ کے آفیسر کو چھوڑ دیتے یا بلدیا کے ایک آفیسر کو بٹھائے تھے, باقی سب بھائی ہو جاتے, بارڈر کی آپرسانی کے یہ بلوم نظر نہیں آتے. یہ تمام آفیسروں کو رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. حکومت کی طرف سے کنٹرول روم عرصے دراز سے قائم کیا جاتا ہے, ابھی بھی وہاں پر قائم ہو رہا ہے, اعلان کیا گیا. ہر ڈپارٹمنٹ کے ایک ایک ذمہ دار شخص وہاں پہ موجود ہے, تو کام ہونے میں عوام کو سہولت ہوگی, آسانی بھی ہوگی. جن دنوں میں, دن ایام میں ہم ایک مہلک بیماری کا سامنا تھا, ہم کو اللہ کے کرم سے وہ دور گزر چکا. ہم پوری عقیدت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ہم عزاداری کا اس 40 دن تک اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ کا فضل بھی ہوگا, ہمارے پروگرام نہایت ہی اچھے انداز سے چلیں گے. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی محکمے کے تمام لوگوں سے تعاون کریں. اور آخری بات مجھے جو کہنا ہے وہ ہمارے بلدیا کے میڈیکل آفیسر صاحب, کوئی ایم او صاحب ہے کوئی بچہ, ذرا تمام مقامات پر ملا نالا صفائی ہونا, گاربیج کی لفٹنگ ہونا, ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو. اتفاق سے دہیپورا آفینڈ پیلس کے سامنے چودھری کا میدان, چار دن سے کچرا نہیں اٹھا, ابھی لوگ وہاں سے فون کریں. تو یہ شکایت محرم میں نہیں ہونا چاہیے, خصوصاً آشر خان نجات کے پاس آپ صفائی ملا نالا کریں, گاربیج کی لفٹنگ کو انتظام کریں, اور اگر ضرورت پڑتی ہے, زونل کمشنر صاحب نے ہم کو آنے کا وعدہ کیے تھے, ابھی اطلاع بھی نیچے ہے ان کے, کئی سالوں سے پرانے شہر میں صفائی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, کیونکہ اسٹاف بہت کم ہے یہاں پر, لیکن پھر بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, وہ اطمینان بخش بھی نہیں ہے. ہم ہمیشہ اسمبلی میں بولے, میٹنگوں میں بولے, توجہ دلا رہے حکومت کو کہ جتنا ہیلتھ کا اسٹاف تھا وہ اسٹاف دن بہ دن کم ہوتے جا رہا ہے, اس کی جگہ پر نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کچرا پڑے رہتا ہے, صفائی معمول نہیں ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے وائٹ کالر اس میں آ گئے ہیں کہ جھاڑو دینے والوں کی کمی ہو گئی. اس لیے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں خصوصی توجہ لے کر, اب آپ چار مینار یا بہت پورا, یہ قرآن شریف کے جو مین علاقے ہیں جہاں پہ صفائی کی اصل ضرورت ہے, وہاں پہ توجہ دے, اور دولت صاحب کو بھی ہم بتائیں گے کہ صفائی کا معقول انتظام ہونا چاہیے, دواؤں کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے, ہر چیز جیسا ہر سال کرتے ہیں اسی طریقے سے, بلکہ اس سے بہتر ہونا, یہ ہماری کوشش ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام محکمے کے عہدے دار اس میں تعاون کریں گے. آبرسانی کی طرف سے واٹر ٹینکر سبھی لوگوں پر بھیجتے ہیں, افضل خانوں کے پاس جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا انتظام ہوتا ہے, اور پینے کے پانی کے جو پاکٹ سے بلا معاوضہ واٹر ہاؤس کی طرف سے ہمیشہ کی طرح حصہ بھی تقسیم کیے جائیں گے, اور اس کا بھی انتظام کیا ہے. وہاں پہ بھی افندی صاحب کی نمائندگی پہ پورے انتظامات مکمل ہوئے ہیں. تمام محکمے جات کا تعاون بہت ضروری ہے, سب مل جل کر تعاون کریں گے, انتظامات اچھے ہوں گے, لوگوں کو سہولت ہوگی, کسی کو بھی کوئی بھی زائرین کو کوئی دشواری نہ ہو, اس کے انتظامات کے لیے توجہ دلاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی تجاویز جو تحریری طور پر ہم کوئی میٹنگ کے آخر میں وصول ہوں گی, اس پہ بھی ہم کام کریں گے, اور مزید جو بھی نمائندے گیا ہے اس کا ذکر ہمارے ممتاز احمد خان صاحب افندی صاحب بتائیں گے. آنے جناب سید احمد الٹا قادری صاحب, محترم مومی رکن اسمبلی حلقہ یعقوب پورہ,
हमारे बरादरम मेरा साहब हमसे नाम पतलगट्टी, जैसा कि अभी अहमद पाशा खादरी साहब ने तमाम तफसीर रखी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ब साबक की तरह मैं हमारे रियाज़ुल्लाह आफंदी साहब अलमदार साहब मेरे तिलावत भाई साहब से मशवरे लेकर इस मुहर्रम के इस महीने में जो काम किए जाते हैं वो तमाम मालूमात हासिल करके तमाम कामों के लिए मैं जोनल कमिश्नर को दे चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला काम होंगे, मगर बल्दिया के स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि एक मुहर्रम खत्म हो जाता दूसरा मुहर्रम आने तक भी काम मुकम्मल नहीं किए जाते, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि खुसूस कर मुहर्रम से पहले खुसूसी तवज्जो लेकर जो काम आपको दिए जा रहे हैं वो काम मुकम्मल करें। और इससे हटकर भी जैसा कि अभी अहमद पाशा खादरी साहब ने कहे कि जो भी यहाँ पर मुतवल्ली हजरात हैं और आशुर खान जात के जो जिम्मेदारान हैं और जो जायरीन हैं, अगर मजीद इससे हटकर भी अगर हमारे इल्म में कुछ वो काम अगर छूट चुके हैं तो आप हमारे इल्म में लाइए, इंशाअल्लाह ताला वो भी काम को करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि पाशा कहे कि सैनिटेशन का जो काम है जो रात में मेन रोडों के ऊपर जो रात में सफाई का जो स्टाफ काम करता है खुसूस कर ये मुहर्रम के 10 दिन तक वो स्टाफ को जहाँ जहाँ दारुल शफा के नूरखा बाजार और याकूबपुरे के इलाके के अंदर जहाँ जहाँ सफाई के इंतजाम हैं वो स्टाफ को वहाँ पर मुतयन करना चाहिए, चूँकि शहर के बहुत सारे इलाकों के अंदर जहाँ पर जिन बस्तियों के अंदर मुहर्रम नहीं मनाया जाता वहाँ भी रात के वक्त में सफाई का इंतजाम होता है, तो अगर वो स्टाफ को अगर आप इधर डाइवर्ट करेंगे तो शायद 24 घंटे सफाई का इंतजाम सही तरीके से होता रहेगा। इससे हटकर भी जैसा कि लाइट के और बल्दिया के जो काम है और वाटर हाउस के जो काम है, वाटर हाउस स्पेशल टैंक लगाकर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे खबर आप लोग बोल रहे थे कि 10 स्पेशल वाटर टैंक लगाए गए, चूँकि वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए आप 24 घंटे उसको पे नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से फिर मेरी अदबन गुजारिश है कि मजीद अगर कोई काम है तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इनमें लाएँ, वो भी काम करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। मेरे बड़े भाई जनाब मुख्तार अहमद खान साहब, रुकन असेंबली चेयरमैन है जनाब रियासुल सना फंदी साहब, इंडियन सेमेंटी से इतिहाद मुस्लिम है जनाब आलमदार साहब, जनाब महमूद खादरी साहब, तमाम अहदेदार ऑफिसर जोनल कमिश्नर साहब और इलेक्ट्रिसिटी के वाटर वर्क्स के GHMC के और तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जो लोग आए हैं उन सबको सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हर साल हमेशा मुहर्रम माह मुहर्रम शुरू होने से पहले सदर मजलिस नक़ीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक इजलास बुलाती है। उस इजलास के अंदर आप लोग जितने भी आशुर खाने के लोग आए हैं उनकी तजवीज़ लेकर जो महकमों को देकर उसको वो काम मुकम्मल कराती है, मगर इत्तेफाक से पिछले 2 साल से कोविड की तरफ से ये काम काफ़ी पेंडिंग हो गए थे, क्योंकि कोविड एक ऐसा बीमारी आई थी जिसकी तरफ से तमाम जो भी प्रोग्राम से हुए। मैं आपको ख़ास तौर से जोनल कमिश्नर साहब और इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के नज़रिए करना चाहता हूँ कि तेलंगाना के अंदर स्टेट ऑनर प्रोग्राम सिर्फ 2 ही है, एक बोनाल है दूसरा मुहर्रम है, जिसके ऊपर हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं हम ये नहीं कह रहे हर रिलीजन का प्रोग्राम होता है, मगर स्टेट ऑनर प्रोग्राम ये 2 है जितना मुझे नॉलेज है। तो मुहर्रम के अंदर मुहर्रम शुरू होने जा रहा है,
काफी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खास तौर से जहां जहां आशुर खाने हैं वो आशुर खानों के अतराफ और अकनाफ के रोड अच्छे होना बहुत जरूरी है, वहां पर स्ट्रीट लाइट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ सीवरेज का जो हमारे पास प्रॉब्लम रहता है, सीवरेज बोरियां बहते रहते हैं, हम देखते हैं आते टेम्पररी काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि मुहर्रम शुरू होने से पहले ये मुकम्मल काम अगर अच्छे से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास हर महकमे के अंदर काबिल ऑफिसर्स है, मगर अनफॉर्चुनेटली जहां पर भी ऐसे मसले आते हैं वहां पर लोग थोड़ा सा लाइट लेते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी मरतबा जो दो साल से आप लोग को ये काम में बिल्कुल काम नहीं हुआ है, आपकी मर्तबा पूरा मुकम्मल काम होना चाहिए। खास तौर से जीएचएमसी स्ट्रीट लाइट वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बारिश के मौसम की तरफ से काफी स्ट्रीट लाइट बंद हो चुके हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पानी पड़ते हैं तो कुछ लाइट खराब हो जाते हैं, वायर खराब हो जाता है, टाइमर खराब हो जाता है, जिसमें मिनी मास के लिए 190 के आते हैं, उसके अलावा 110 के फिटिंग, 70 के फिटिंग और 35 के फिटिंग, क्योंकि ये कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर फर्ज करिए रोशनी नहीं रहेगी तो ये जितने लोग मुहर्रम के अंदर हमारे भाई लोग इबादत के लिए या मजलिस के लिए निकलते हैं उनको दुश्वारी होती है, और खास तौर से औरतें जो होती है वो लोग भी निकलती है रातों में। तो इसके लिए मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है, स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट 100% आज जैसा हमारे भाई पाशा खादरी साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सैनिटेशन को इतना नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पहले तो बिन्स फ्री बोल के पूरे बिन्स उठा दिए हैं, जो पहले बिन के अंदर कचरा जाता था आज पूरे रोडों पे फैला हुआ मिल रहा है, जो कचरा एक जगह जमा होता था आज आधी रोड कवर हो रही है। मगर मैं नहीं चाहता कि मुहर्रम के अंदर आप इसको ऊपर दिलचस्पी लेते हुए इसको कैसा स्ट्रीमलाइन करना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, ये आप लोग का काम है, इसको मुकम्मल करना आपको बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि तफसीली रिपोर्ट हमारे भाई रियाजुल हसन अफंदी पेश करेंगे। काफी काम है मैं बोलना चाहता हूँ, मगर रियाज साहब आपको बयान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम डिपार्टमेंट के लोग साथ देंगे और अब की बार मुहर्रम का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह ताला एक बहुत मिसाली प्रोग्राम करके जाहिरीन को और खास तौर से जो लोग मुहर्रम के अंदर आते हैं मजलिस के लिए आते हैं, आशुर खाने के लिए आते हैं, अलमा बीबी का अलम निकलता है वो पूरी रोड मुकम्मल साफ रहना चाहिए, और बीबी के अलम की जो रोड होती है उन सब के अंदर जहां जहां पे भी है सबसे पहले रोड को पैचवर्क नहीं करना चाहिए। अभी आपको काम है काफी रोड सीआरएमपी के अंदर आगे मेन रोड, तो सीआरएमपी के कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर वो पूरे के पूरे रोडों को ठीक करना चाहिए, और जितने सीआरएमपी के अंदर रोड है उसके अंदर स्वीपिंग करना उनका जिम्मेदारी है, उनसे स्वीपिंग कराना चाहिए। तो मैं यही चीज सोचते हुए उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग हमारा साथ देंगे और अब की मरतबा इंशाल्लाह सुबहानहु तआला तमाम हमारे एमएलएस है, कारपेंटर्स है, वर्कर्स, तमाम के तमाम फील्ड में रह के आप लोगों का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अहमद बादशाह कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी वार्ड एम एल ए याकूबपुरा, जनाब मुमताज अहमद खान साहब एम एल ए याकूबपुरा, जनाब जाफर हुसैन एम एल ए चारमीनार, जनाब जाफर हुसैन मेहराज साहब एम एल ए नामवली, जोनल कमिश्नर मुतवलिया, जिम्मेदारान आशुर खान, और यहाँ पर मौजूद तमाम जी एच एम सी इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के मौजूद तमाम ऑफिसर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम तमाम इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि नकीबे मिल्लत अलहाज मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब हबीबे मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर क़यादत में ये मीटिंग मुनक़द की गई है, और मैं इस मीटिंग में इस बात का भी जो हक़ हाँ है ये बताना चाहता हूँ कि हम तमाम वाकिफ हैं कि हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में की एक वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजाम के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, या आज कल से नहीं ये ज़माने से ये तरीका रहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने नुमाइंदगियों पर तमाम इंतजाम करवाते आई है। यकीनन तमाम एम एल ए साहबान के तरफ से नुमाइंदगियाँ की गई है, जैसा कि कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब की जानिब से वहाँ के तमाम आशुर खानों के लिए और वहाँ के अतराफ अतनाफ के रोड्स और तमाम जो काम है उनको उनकी नुमाइंदगी की गई है, और जनाब जाफर
तरफ से मेरा साहब नामपल्ली एमएलए साहब के जना के तरफ से भी नामपल्ली हल्के के तमाम आशो खाने जात के लिए वहाँ की नुमाइंदगी की गई है। इंशाल्लाह ये भी काम जल्द से जल्द आगाज होगा। और जनाब अली जनाब मुर्तज़ा अहमद खान साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कामों का भी आगाज कई काम के आगाज हो चुके हैं और कई इंशाल्लाह ताला आगाज होने वाले हैं। याकूबपुरे में भी जनाब एमएलए अली जनाब सैयद अहमद बाशा कादरी साहब की जानिब से भी तमाम नुमाइंदगी हो चुकी है। वहाँ के भी कई काम का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह वहाँ बाकी कामों का भी आगाज होगा। और इस जमन में आशूर के प्रोसेशन के लिए हाथी का इंतजाम के लिए नकीब मिल्लत अलहाज मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हाथी को लाने के लिए जो जियो निकालने की गवर्नमेंट में बात हुई उसके लिए जो है नुमाइंदगी की गई है। और हर साल की तरह जैसा कि कुछ लोग इस बात में कन्फ्यूज थे कि लास्ट ईयर का जो है जियो नहीं आया मेमो आया, लास्ट ईयर भी जियो आया है नकीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी पर और इंशाल्लाह इस बार भी जियो आगा और इंशाल्लाह ताला इस बार भी तमाम इंतजाम वैसे ही होंगे। मैं मेरी जानिब से जो लोगों ने मुझे बताया था कामों के लिए उसके भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई काम का आगाज हुआ है। आप तमाम से भी गुजारिश करूँगा कि जो मजीद काम है जो हमारी नॉलेज में नहीं है उसको भी लाया जाए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द आगाज़ किया जाएगा और तकमील करेंगे। यकीनन जो लास्ट ईयर के जो मुहर्रम के सेंशन जीएचएमसी की जानिब से हमको दिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं समझता हूँ कि 90% काम मुकम्मल हुए। माँ बाकी एक 10% काम है जो कॉन्ट्रेक्टर्स की लापरवाही की तरफ से उसका आगाज़ नहीं हुआ। हम वो काम भी इंशाल्लाह ताला कब्ल मुहर्रम तकमील करेंगे क्योंकि हम वो कॉन्ट्रेक्टर्स को बुला के उनसे मीटिंग ली है, वो इस आगाज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे वही 8 दिन के अंदर। और फिर नए कामों का भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आगाज हो जाएगा। जैसा कि वाटर वर्क्स की बात है, यकीनन हर साल की तरह पानी टैंकर्स के इंतजाम जो हम टैंकर्स को फिलिंग करते हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बालसटी के रिजर्वर से भी कर रहे हैं, चदरघाट से भी कर रहे हैं और मुगलपुरे से भी जो है हम टैंकर्स को सप्लाई देते हैं तो उसको कंटिन्यू किया जाए। पानी के पैकेट्स के साथ हमने पानी के बॉटल्स की नुमाइंदगी की है मीटिंग में, तो पानी के पैकेट्स के साथ पानी के बॉटल्स की सरबराही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन स्वीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि जो गार्बेज पॉइंट्स है आशुखाने के अतराफ अतनाफ रोड्स पर उसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। और जो एमएलए जनाब मुर्तज़ा अहमद खान साहब की जो मशवरा है उसको कबूल करते हुए यूनिट को बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा साहब कि बंच केबल का भी ज़्यादा अपने सेंशन दीजिए और जहाँ पे बंच केबल्स की ज़रूरत है वो लगवाएं। और अलावा सब तो मुबारक के भी बैक साइड में एलआईबीपी के बैक साइड में हम एडिशनल ट्रांसफार्मर्स देते हैं उसको भी जल्दी से जल्दी नष्ट करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स भी होना है उसके लिए आपसे गुजारिश है। कुछ नए ट्रांसफार्मर्स के लिए हमने हमारे एमएलए हजरात की जानिब से नुमाइंदगी हुई है उसको भी जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए तो शटडाउन में जो है शटडाउन नहीं होगा इंशाल्लाह। जीएचएमसी से जो काम होते हैं उसमें जो इमीडिएट हम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तो पूरे कंप्लीट होते हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट जो टेम्पररी फोकस हमको जो है मजीद से इत्तेहाद और मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे दी जाती है वो तकरीबन हर आशुखाने के अतराफ अपना और आशुखाने के जो है प्लेसेस पे लगवाए जाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सर उसको भी जल्द से जल्द जो है सेंक्शन किया जाए। शुक्रिया। जो भी है सैनिटेशन का हम स्पेशल यूनिट्स लगा के
पूरा साफ पूरा जहाँ जहाँ सुल्ताना है वहाँ हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करेंगे और हमारा सैनिटेशन का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है रोज डेली बेसिस में स्पेशल यूनिट हर एक सुल्ताना में दो दो वर्कर्स लगाते और क्लीनिंग करेंगे और जो पैच वर्क का बात आता है ऑलरेडी सैंक्शन दे दिया और देखिए जो जो रिक्वेस्ट आए जो जो अशुकाना है जो जो इम्पोर्टेंट अशुकाना पे है तो ये जो सैक्शन चाहिए तो एक ऑफिसर मेरे साथ पुलिस ऑफ कोऑर्डिनेट करके एक लिस्ट बना के मुझे दे दिया तो उसका भी सैंक्शन दे दूंगा तो चाहे कि एक वीक में काम शुरू हो जाए क्योंकि बारिश के वजह से फोटोज भी बहुत हो गए तो इसलिए आप जितना जल्दी दे देंगे उतना जल्दी हम सैंक्शन दे देंगे और काम करवाएंगे और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जो भी काम है एक्चुअली लास्ट ईयर में ही दे दिया और उसके अलावा जो भी बाकी है और बाकी चाहते हैं तो वो वर्क्स भी हमको दे दिया तो वो भी सैंक्शन करेंगे जैसे एज पर इंस्ट्रक्शन सब मेरे साथ और सारे काम मेरे साथ पर उठे इमरजेंसी रूम ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑल द लैंड डिपार्टमेंट्स और हमारा इलेक्ट्रिक ये भी यहाँ मौजूद है जहाँ जहाँ अशुकाना पे जितना लाइट्स लगाने हैं वो ऑलरेडी मुझे सैंक्शन भेजा और वी डिस्कस द सेम विद MLA साहब और MLC साहब एंड वो भी सैंक्शन करेंगे सो दैट इस बार तो स्मूथली जो भी प्रो तो है स्मूथली चले जाएगा मोहरम और बहुत सारे काम मंजूर करे हैं काम चल रहे हैं और काम चलेंगे और ये भी कहा कि उनके दिल में जो काम मजीद आएगा वो भी मैं फौरी कर दूंगा जिसके लिए अशोक सम्राट साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहमान साहब सुप्रीम इंजीनियर ने जो इंतजाम का दायित्व दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वाटरवर्स के CGM विनोद भार्गव साहब अभी आए हैं उनके तमाम हालात से वाकिफ है क्योंकि अरसे दराज से सौ फिल्म में काम कर रहे हैं और वो भी माफिल इंतजाम करेंगे वाटर टैंकर का जो खसूसी इंतजाम होता है बिला वफा नल की सप्लाई की कोई रुकावट के बगैर पानी सप्लाई करने के लिए वो तमाम चीज़ें हम भी करेंगे मैं तमाम ऑफिसर्स का DMC का इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ हम तमाम अंजुमन के मुतवली हजरात आशुरखाना के मुतवली हजरात और अंजुमन के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे अलमदार वाला दाई सोहेल खातरी साहब और दीगर कॉरपोरेटर वासिर साहब ये लोग भी अपने अपने एरिए के नुमाइंदे हैं कि उसमें भी काम मंजूरियाँ हासिल की वो भी काम चल रहे हैं उसके लिए भी मैं सम्राट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजार से दरख्वास्त है जो भी अपनी तहरीकी नुमाइंदगी है वो हमारे पास पहुँचा दें और चाय पी के रवाना हो इसके